नमस्कार 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 नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? चलिए, सारे लोग अच्छे हैं। चलिए, सारे लोग अच्छे हैं, एक बार बता दीजिए जल्दी। सारे लोग क्लियर? एक बार बता दीजिए, सारे लोग को आवाज आ रही है? जल्दी बता दीजिए, आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं, बता दीजिए एक बार। राम राम। आवाज आ रही है कि नहीं? एक बार क्लियर कीजिए, आवाज आ रही है कि नहीं? चलिए, मैं आ गया सामने, एक बार बता दीजिए आवाज ओके है कि नहीं, फिर मैं आगे चलता हूं। आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया, जुड़ जाएं सारे लोग, सब ठीक है। भाई, मौसम थोड़ा सा ना आंधी तूफान वाला है, और अगर थोड़ा लाइट और नेटवर्क अगर चला जाए तो माफ करियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौसम थोड़ा सा खराब सा है। चलिए, देखो, एक टॉपिक है बड़ा प्यारा सा, बहुत प्यारा सा एक टॉपिक है, साइंटिफिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। बड़ा फेमस चीज है, देयर यूजेस। ध्यान से सुनना आप लोग, ये चाहे आप रेलवे का पेपर ले लो, चाहे आप HSSC का पेपर ले लो, चाहे KVS में, अभी हाल ही में KVS का पेपर आने वाला है भाई, 9400 टीचरों की पोस्ट आने वाली है KVS के अंदर, 9400, जिसमें प्रिंसिपल से लेके प्राइमरी टीचर तक की पोस्ट होगी, प्रिंसिपल से लेके प्राइमरी टीचर तक की पोस्ट होगी KVS में। और KVS में अगर स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा फेल होते हैं वो GS के अंदर फेल होते हैं, ये ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा GS में फेल होते हैं। तो रेलवे अगर उठा लो, रेलवे का भी एग्जाम आने वाला है, रेलवे का, तो रेलवे में भी इस टॉपिक का बड़ा योगदान है। KVS उठा लो तो KVS में भी बड़ा योगदान है, और हरियाणा अगर HSSC उठा लो तो HSSC में भी बड़ा योगदान है। ये तो हर लेवल की बात है, हर लेवल की बात करते हैं, ये यहाँ पे हर तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो कल का हमारा टॉपिक था कारगिल वॉर, वो 26 तारीख को पढ़ाऊंगा, कारगिल दिवस के दिन, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके ना याद करेंगे, इसको ध्यान से सुनना, याद करेंगे। एक बार सारे लोग जुड़ जाएं, और तरीका बताऊंगा याद करने का कि कैसे याद करेंगे और किस तरीके से चलेंगे। देखो, लिखा तो मैंने 15 है, 15 इंस्ट्रूमेंट, लेकिन लगभग आपको पढ़ाऊंगा 30 से 35। 15 इसलिए लिखा है कि वो बिल्कुल ही जरूरी हैं, और जो पढ़ाऊंगा वो भी जरूरी है, बस आपको ध्यान से समझना है। देखो, एक शब्द आता है पेपर में, अल्टीमीटर, ध्यान से सुनना, अल्टीमीटर। आगे आगे नहीं चलेंगे, बस सुनेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, और मैं टेस्ट भी दूंगा। एक शब्द है अल्टीमीटर, और एक शब्द है अमीटर। अमीटर दो शब्द हैं, एक है अल्टीमीटर, एक है अमीटर। इन दोनों में ना स्टूडेंट अंतर नहीं समझ पाते, ध्यान से समझना, एक है अमीटर और एक है अल्टीमीटर। अगर मैं अमीटर की बात करूं तो विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, अगर इंग्लिश की मैं बात करूं इंग्लिश में, तो इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट को मापने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अमीटर का यूज किस में करते हैं हम?
इलेक्ट्रिसिटी करंट को काउंट करने के लिए, मीजर करने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं। देखो अ अमीटर, अमीटर, तो अ को आप इलेक्ट्रिसिटी करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा, जब आपको करंट लगता है तो आपके मुंह से क्या निकलता है? अ लग गया। जब आपको करंट लगता है तो आपके मुंह से क्या निकलता है? अ लग गया। यानी अमीटर, अ, अ की आवाज कब आती है? जब आपको करंट लगता है। तो विद्युत धारा का होता है अमीटर। अब आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, यहां पे बच्चा जरूर कंफ्यूज होगा, एक बात ध्यान से सुनना। जो हमारा उड़ता हुआ विमान है, देखो उड़ता हुआ विमान है, उड़ता हुआ विमान, ध्यान से सुनना, उड़ता हुआ विमान, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? अमीटर का। शायद दोनों में क्लियरिटी आपको मिल गई होगी। अमीटर का यूज करते हैं जब आपको करंट लगता है। अल्टीमीटर, अब देखो कैसे याद रखोगे, विमान, विमान अलट पलट करता है, अलट पलट, यानी विमान जब उड़ता है तो क्या करता है? अलट, कभी पलट, तो अलट अल्टीमीटर। इस पर एक और क्वेश्चन है कि अगर जहाज की स्पीड काउंट करनी है, ध्यान से सुनना, देखो अमीटर कब काउंट करोगे? अमीटर का काम तब है जब उड़ते हुए जहाज का हम क्या काउंट करते हैं? ऊंचाई। तो हम क्या लेते हैं? अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का काम होता है उड़ते हुए जहाज की, अमीटर का काम होता है विद्युत धारा की। कोई डाउट बताइए, टेस्ट भी दूंगा भाई, यहां से सवाल जरूर आएगा। अब जहाज पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, एक बार और ध्यान से सुने, एक बार एक चीज ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के अंदर, रेलवे के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रडार का यूज कब किया जाता है और मैक मीटर का यूज कब किया जाता है। देखो समझ में आएगा, रडार और आता है मैक मीटर, इसमें बच्चा खोएगा, 100% खोएगा, आपको भी याद नहीं है, ये गारंटी है। मैक मीटर, मैक मीटर का यूज और रडार का यूज, इनमें दोनों में डिफरेंस है मेरे भाई। देखो जो हमारा जहाज है ना, जहाज, जहाज की गति, जहाज की स्पीड हम साउंड के हिसाब से काउंट करें, यानी ध्वनि, एक बार ध्यान से सुना, साउंड से, जो हवा का साउंड है ना, साउंड से जब हम जहाज की गति को काउंट करते हैं तो उस मशीन को बोलते हैं मैक मीटर। मैक मीटर हमारे लिए क्या काउंट करता है? मैक मीटर हमारे लिए काउंट करता है जहाज की गति, और जहाज की गति किससे? साउंड से, ध्वनि से। लेकिन रडार, रडार काउंट करता है जहाज की स्थिति, कि जहाज है कहां, जहाज की स्थिति, जहाज की स्थिति, कि जहाज है कहां, लोकेशन काउंट करता है रडार, और मैक मीटर काउंट करता है जहाज की गति, या वो भी किसकी मदद से? हेल्प ऑफ द साउंड। और यह परीक्षा में 100% आया हुआ है, 100% आया हुआ है। हर एक क्वेश्चन जरूर डालेंगे मेरे भाई, समझ लेना कि 99.999% गारंटी है रेलवे में, केवीएस में, एनटीपीसी में, एचएसएससी में 100% गारंटी है मेरे भाई। पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें दबा के। लोकेशन ऑफ द प्लेन, हाँ लोकेशन ऑफ द प्लेन बताता है रडार। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए एक बार। अब एक क्वेश्चन आता है, अब सुनना, थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होगा, सीलोमीटर, सीलोमीटर नाम ही नहीं सुना होगा, सीलोमीटर, ध्यान से सुनो, सीलोमीटर जानते हो क्या होता है? सीलोमीटर, सीलोमीटर ना सिप की गति बताता है, सिप, जो सिप होता है ना, सिप, पानी वाला जहाज, पानी वाले जहाज की गति बताता है, सिप की गति बताता है सीलोमीटर। देखो सीलो से सिप,
और यही क्वेश्चन शिप की गति बताता है। जब जहाज की गति साउंड की मदद से निकालेगा तो क्या निकालेगा? मैक मीटर। मैक मीटर से हमारा निकलता है आपकी जहाज की गति साउंड की मदद से। जल्दी बताइए, एक बार जल्दी बताइए, कोई भी डाउट हो तो 100% बताएं। अब देखो, एक प्यारा सा क्वेश्चन है टैकोमीटर। अरे बता दो यार, जाने दो, एक बार जल्दी बताइए कोई भी डाउट हो तो। एक और भी प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं पूछता रहूंगा, ध्यान से सुनना, मैं पूछता रहूंगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन है टैकोमीटर। टैकोमीटर नाम ही नहीं सुना होगा, टैकोमीटर अगर सुना होगा तो बताओ। देखो, टैकोमीटर क्या होता है, यह भी स्पीड बताता है, लेकिन रोड पर जो चलने वाले मशीन होते हैं ना, उनकी बताता है टैकोमीटर। एक बार ध्यान से सुनना, स्पीडोमीटर में और टैकोमीटर में थोड़े से का डिफरेंस है। ये भी रोड पर चलने वाले गाड़ियों की गति बताता है। गति, ये भी रोड पे चलने वाली गाड़ियों के पर चलने वाले, ध्यान से सुनना, चलने वाले गाड़ियों की गति बताता है। अंतर है, गाड़ियों की गति बताएगा। दोनों सेम है, रोड पर चलने वाले, ये भी रोड पर चलने वाले, लेकिन अंतर है। स्पीडोमीटर में हम पर 1 आर्स की गति काउंट करते हैं, 60 किलोमीटर पर आर्स की हमारी गाड़ी की चाल है। 60 किलोमीटर पर आर्स हमारी गाड़ी की चाल है, लेकिन जो टैकोमीटर होता है वो पर मिनट यह बताता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है। स्पीड क्या है, अरे बताओ ना यार, प्लीज। दोनों में अंतर है मेरे भाई, ये पर आर्स के हिसाब से बताता है, वो पर मिनट के हिसाब से बताता है। दोनों स्पीड को ही बताते हैं। ऐ मेरे भाई बता दो यार, ऐ मेरे यार बता दो ना प्लीज, बता दो यार। नहीं बताओगे, जाओ मत बताओ, हम तो नाराज हैं तेरे से। नहीं नहीं नहीं, मत बताओ, जाने दो, ना ना मत बताओ, हमने तो पढ़ा ना, अगर नहीं बताओगे तो डाउट नहीं ले पाऊंगा मैं, ना ना जाने दो। टैकोमीटर और स्पीडोमीटर में ये अंतर है। अच्छा पिंकी, हाँ बेबे समझ में आ गया है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए मैं अभी कई सवाल दूंगा उस पर भी बताओ। एक होता है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ओडोमीटर, इसी का जुड़वा भाई है ओडोमीटर, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक है ओडोमीटर और एक है इसी का भाई यूडोमीटर। यूडोमीटर ध्यान से सुनना है आपको। आज भूकंप भी बड़ा तगड़ा सा आया था, अच्छा आप कोई बताने का रास्ता ही नहीं छोड़ते कि डाउट है या नहीं। मेरे भाई एक मोटर, देखो मोटर बोट की स्टीम, अब मोटर आ गया ना उसमें, ये अलग से, मोटर बोट की स्टीम मेजर करता है टैकोमीटर, नहीं वो कब, टैकोमीटर जब पर आर्स में निकालेंगे, बोट में पर आर्स बताएगा ये पर आर्स बताता है बोट के साथ, लेकिन यही सिस्टम जब हम रोड वाला काउंट करेंगे, रोड वाले मशीन का, तो ये पर मिनट बताएगा। जब बोट वाले पर जाएंगे तो यही टेक्नोलॉजी पर आर्स में बदल जाता है, क्योंकि वह पानी की स्पीड के साथ बताना होता है, और जब यही टेक्नोलॉजी हम रोड पर काउंट करते हैं तो पिस्टन के साथ काउंट करते हैं, तो वो पर मिनट होता है, ठीक है। चलिए सुनील कुमार आप लेट है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। अब ओडोमीटर आ जाओ, ओडोमीटर पेपर में पूछा गया है CGL में और CHSL में, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में आ रहा है भाई, हरियाणा का पेपर, ध्यान से सुनना,
कैनल पटवारी और नॉर्मल पटवारी ग्राम सचिव कंबाइंड पेपर होगा, ऐसा कहा जा रहा है। कंबाइंड पेपर होगा भाई, कंबाइंड पेपर होगा, ध्यान से सुनना। तो ओडोमीटर और यूडोमीटर, बच्चा समझ नहीं पाता है, बच्चा कंफ्यूज रहता है। जब भी आएगा ओडोमीटर तो देखो क्या होगा। मान लेते हैं मैंने सोनीपत से अपनी गाड़ी स्टार्ट की, सोनीपत से गाड़ी स्टार्ट की और मुझे नारनौल हरदत्त भाई और बजरंग भाई के यहाँ जाना है। देखो मुझे सोनीपत से गाड़ी स्टार्ट की और नारनौल जाना है हरदत्त भाई और बजरंग भाई के यहाँ। मैं गाड़ी लेके निकला और सोनीपत से मैं नारनौल पहुंचा। मैंने देखा सोनीपत से नारनौल की दूरी जो है वो 520 किलोमीटर है टोटल, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी 540 किलोमीटर चलाई। तो ये जो देखो, अब 520 के ऑलरेडी 20 किलोमीटर मैं सोनीपत में घूम चुका था, 20 किलोमीटर ये, और सोनीपत से नारनौल की दूरी है 520 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर मैं पहले चल चुका था और 520 ये, तभी तो वो दिखा रहा है 540। ओडोमीटर दिखाता है कि एक्चुअल आपने कितनी दूरी तय की गाड़ी से, स्पीड नहीं बताएगा। वो स्पीडोमीटर बताएगा कि आपने 60 की स्पीड से गए, 100 की स्पीड से गए, 150 की स्पीड से गए, 300 की स्पीड से गए, वो काम करता है स्पीडो। लेकिन आप कितना दूर गए, कितना दूर गए, यह बताएगा ओडोमीटर। आपके गाड़ी में ओडोमीटर एक आपके जो स्पीड वाला मीटर होता है ना, बाइक वाइक में देखते हो तो एक साइड में बटन होता है, उसको 00 कर दो और यहां से चल दो सोनीपत से नारनौल, तो 00 रहेगा यहाँ मेन लोकेशन से, और वहां जाओगे तो 520 आएगा। तो यानी जहां से हम चले थे और जहां को पहुंचे उसकी एक्चुअल दूरी 520 है, 520। तो ओडोमीटर एक्चुअल बताता है कि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस बताता है। ठीक है, बहुत खूब बहुत खूब। देखो लाख पंखे चल लो, लाख एसी चल लो, लेकिन पसीना होना है आप लोगों के लिए, ये चल रहा है मेरे भाई, सब कुछ जो ये पसीना बहाया जा रहा है आपके लिए है। और ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक दिन में खत्म हो जाते हैं और परीक्षा में 100% आने होते हैं। नोटिफिकेशन जाता है मंजिता, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार सारे लोग जुड़े, अब ये तीनों चीज समझे। अब देखो यूडोमीटर आ जाओ, यूडोमीटर बताता है कि आपके शहर में वर्षा कितनी हुई है। वर्षा नहीं होता है कि 5 mm बरसात हुई है, 10 mm बरसात हुई है, तो वर्षा कितनी हुई है, वर्षा कितनी हुई है, जो बरसात होता है उसको मीजर करता है यूडोमीटर। यूडोमीटर का काम होता है कि बरसात कितना हुआ है यह काउंट करेगा यूडोमीटर। अरे डेली चलता है भाई, कोई ना कोई एक क्लास डेली रहता ही रहता है, ये क्लियर है, क्लियर है ये। अब सुनो एक एक चीज ऐसा बताऊंगा इसमें कि आप मतलब फैन हो जाओगे इस टॉपिक के, कि ऐसा भी होता है क्या। एक चीज देखो, एक टॉपिक बड़ा प्यारा सा है, सेलियोमीटर। सेलियोमीटर ध्यान से सुनना, ये इंग्लिश में ही ज्यादातर यूज करना, सर का न्यू लुक नहीं भाई, यह पुराना लुक है। सेलियोमीटर कई बार पेपर में हिंदी कम इंग्लिश ज्यादा यूज करते थे, खासकर इस टॉपिक पे। सेलियोमीटर, सेलियोमीटर वो टॉपिक है, मान लेते हैं ये तुम्हारा पृथ्वी है, ये तुम्हारा पृथ्वी है और ये तुम्हारे बादल हैं। पृथ्वी से बादल की ऊंचाई कितनी है यह काउंट करता है सेलियोमीटर। पृथ्वी से बादल की ऊंचाई कितनी है यह काउंट करता है सेलियोमीटर। और बड़ा ही फेमस टॉपिक है कि सेलियोमीटर किसके लिए काम करता है, तो सेलियोमीटर जो काउंट करता है वह पृथ्वी से
हमारे ऊपर जो बादल है उसके बारे में बताएगा, ठीक है। ये सब टेक्निकल चीज है जी, टेक्निकल है, कैसे होगा क्या होगा ये साइंस वाले बताएंगे जी। बस इंस्ट्रूमेंट पेपर में आएगा तो ये ध्यान रखना, सीधा सीधा आएगा कि इसके यूजेस क्या हैं, कहां यूज होता है। अब एक बार और देखो, एक और है इडियोमीटर। इडियोमीटर बहुत फेमस, इडियोमीटर। अरे कोई डाउट, वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाता रहूंगा रवि जी, ये भी टॉपिक बड़ा जरूरी है इडियोमीटर। इसके बाद एक टॉपिक कराऊंगा आपका, वो भी बड़ा प्यारा सा टॉपिक होगा। अच्छा, मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, धन्यवाद जी, वो तो आप लोग का प्यार है। देखो आगे भी बड़ा अच्छा सा टॉपिक एक पढ़ाऊंगा, आप फैन हो जाओगे इसके। टाइम टेबल भेज दिया करो, जरूर जी, जरूर प्रयास करेंगे। अच्छा लेट हो गए हरदत्त जी, कोई बात नहीं है, आगे चल। देखो एडियोमीटर, एडियोमीटर क्या है, प्यूरिटी ऑफ एयर, प्यूरिटी ऑफ एयर, एयर जो वायु की शुद्धता है, वायु की शुद्धता काउंट करता है कौन सा, एडियोमीटर। सवाल यहां से आया था, जीएस स्पेशल का बैच लॉन्च हो चुका है भाई, जीएस स्पेशल का बैच लॉन्च हो चुका है आपके ऐप पे। आप लोग ऐप पर जाएं और आप लोगों के लिए जी, अच्छा स्पीड ज्यादा स्लो है जी, देखिए जी ये मेरी आदत है बचपन से ही है। जीएस स्पेशल का बैच लॉन्च हो चुका है, एक साल के लिए है, वो 699 का है। पूरी हिस्ट्री पढ़ा है मैंने, पूरी इको पढ़ा है उसमें, और पूरा हिस्ट्री पढ़ाया है, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाया है बड़े सॉलिड तरीके से। और वहां पे आप जाएंगे तो आपको वो मिलेगा, पोल साइंस जो पढ़ाया आशीष जी ने पूरा पढ़ाया है, ज्योग्राफी संदीप जी ने पूरा पढ़ाया, साइंस जो है वो बायो आशीष जी ने पढ़ाया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री धर्मवीर सर ने पढ़ाया है। तो आप वहां से जाके लॉन्च कर देख सकते हैं, और 699 का है बिल्कुल, वो पैकेट तुरंत परचेज करें। जिन लोगों को 2020 और 2021 में सचमुच में नौकरी लगना है वो जरूर उस बैच को ज्वाइन करें। ये मत देखें कि, और एक रुपए में स्टैटिक जीके का टॉपिक है, इसी तरीके के टॉपिक है उसमें, ये वाला टॉपिक उसमें नहीं है इसलिए मैं पढ़ा दिया। जो जो टॉपिक वहां नहीं है, 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो वहां नहीं है, करा दूंगा। जैसे यहाँ डांस करा दूंगा, मैं डांस के क्लासेस करा दूंगा। अब पटवारी में भाई, पटवार में कोई अलग से थोड़ी आता है, जीके तो हर जगह यही है, अकबर थोड़ी बदल जाएगा। तो एक बार जरूर वहां जाएं, विजिट करें और आप परचेज करें, हर कोई परचेज करे ये टॉपिक। चलिए, एडोमीटर जो काउंट करता है, एडोमीटर का काम होता है प्यूरिटी ऑफ एयर, तो जो वायु की शुद्धता है वह जो काउंट करता है, वह काउंट करता है एडोमीटर। अब देखना पायरोमीटर, पायरोमीटर, थर्मोमीटर, कायरोमीटर। देखो थर्मो, ठीक है, अब क्रायोमीटर, ये तीनों बड़े फेमस हैं जी, तीनों बहुत ही फेमस हैं। एक बार ध्यान से सुनेंगे, जो लोग मतलब सीरियस नहीं हैं वो लोग ना ज्वाइन हो, जो लोग सीरियस हैं वो जरूर ज्वाइन हो। चलिए रविंद्र भाई नमस्कार, बिल्कुल रविंद्र भाई सब कोई एक्टिव है। ये जो वायरस है ये सबको नष्ट करके रख रखा है हर काम को, लेकिन ये तो सबके लिए भाई, ठीक है, ये तो सबके लिए है, अब क्या कर सकते हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा गया है कि जब समुंदर मंथन हो रहा था तो समंदर से विष निकला। अगर देखो, अगर समंदर से विष निकला है तो समंदर से अमृत भी निकला, तो हर चीज का समाधान साथ साथ आता है।
यह कोरोना आपको यह सिखा दिया कि आपको बैलेंस कितना रखना है अपनी बॉडी, अपने हर चीज को आप फिट कैसे रख सकते हैं। तो हर चीज का एक मिलाप है। देखो पायरोमीटर जो होता है, आजकल देख रहे हो ना, कहीं भी आप लोग जा रहे हो तो एक मशीन सा लिए हैं और मशीन धड़ाक आपके बॉडी पर मारते हैं, यहाँ पे पायरोमीटर, वो मशीन का नाम है पायरो मशीन। और वह मशीन आपके मतलब हाई टेम्परेचर को काउंट करता है, बिना आपके बॉडी को टच किए हाई टेम्परेचर को काउंट करता है, विदाउट बॉडी टच, बहुत फेमस, विदाउट बॉडी टच हाई टेम्परेचर को काउंट करता है। हाई टेम्परेचर को ध्यान से सुनना, यह होता है पायरोमीटर। जैसे आप डालोगे ना नेट पे पायरोमीटर, वो मशीन निकल के आएगा जी, ठीक है, वो मशीन निकल के आएगा। अब थर्मोमीटर, जब हम पुरानी प्रणाली में डॉक्टर के यहाँ जाते थे तो हमारे मुंह में वो थर्मामीटर ऐसे डाल देते थे, फिर हम निकालते थे। यह भी हाई प्लस लो दोनों को बताता है, लेकिन ये बॉडी टच को बताता है, बॉडी टच के साथ बताता है। बॉडी टच होगा तब थर्मोमीटर काम करेगा, यानी इसी को थर्मामीटर बोलते हैं आप, ठीक है। हाई टेम्परेचर है विदाउट बॉडी टच किए, भाई ये भी ध्यान रखना। यहां पे भी हाई टेम्परेचर है, थर्मोमीटर भी हाई को डिटेक्ट करता है, लेकिन यहां बॉडी टच के साथ करता है। लेकिन पायरोमीटर केवल हाई को काउंट करेगा और वह विदाउट बॉडी टच किए हुए करेगा। अगर मैं बात करूं कायरोमीटर, कायरोमीटर लो टेम्परेचर को काउंट करता है, लो टेम्परेचर को काउंट करता है कायरोमीटर। जल्दी बताइए, क्लियर? नहीं, कोई ज्यादा पेमेंट नहीं है भाई, 699 का है, आपको 5 से 6 टॉपिक मिलेंगे और ऐसा टॉपिक लगभग 200 प्लस आर्स की वीडियो है भाई। हर वीडियो जैसे हिस्ट्री का एक वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटे का, बिल्कुल बड़े मजे तरीके से पढ़ाए हैं, कोई चीज उसमें छोड़ा नहीं गया भाई। उस वीडियो में हर टीचर अपना 100% दिया है। अब सुनना, एक शब्द आता है पेडोमीटर। देखो मैं मतलब पढ़ाने वाले लोग क्या करेंगे, 10 बात इसमें का पढ़ाएंगे और उसका ट्रिक बता देंगे, और वह 10 आपको याद हो गया, आपको वो भाई रे बहुत बढ़िया मास्टर तकती एनडी है, और पेपर में उस 10 के अलावा आ गया, बोलोगे ये तो मास्टर ने कराया ही नहीं था। जो मास्टर लोगों को आसान लगता है वो यूट्यूब में आके पढ़ा देते हैं, और जो टफ है वो कद्दे भी ना पढ़ाते। लेकिन किसी भी वीडियो में मेरे देख लेना, जो टॉपिक सबसे टफ है वो मैं सबसे पहले पढ़ाता हूं। कंप्यूटर में देख लो, सारी जो टॉपिक टफ टफ है, यहां तक कि न्यूमेरिकल तक कराया है लैंग्वेज का, पाइथन के लैंग्वेज भी कराए हैं मेरे भाई, सिर्फ आपके लिए। पसीना निकल रहा है ना, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान से, सिर्फ आपके लिए। देखो एक शब्द है पेडोमीटर और एक शब्द है ओमीटर, ओमीटर। इसका एक और नाम पेपर में आया हुआ था, ध्यान से सुनना। हाँ, ओमीटर आया हुआ था, ओमीटर आया था, ओमीटर, लेकिन ये ओमीटर भी आ जाएगा, ध्यान से समझना। पेडोमीटर और ओमीटर, आप देखते हो एक ही साइज के अंडे आते हैं, जो अंडों की फैक्ट्री है ना वो ये चीज रखती है ओमीटर। जानते हो क्यों रखती है? एक साइज के अंडों की, जो अंडों का साइज है, जो अंडों का साइज है, यानी अंडों का एक का मेजरमेंट करने के लिए, कौन सा एग किस क्वालिटी का है, एग का मेजरमेंट करने के लिए ओमीटर का यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो अंडे की हैं, वो ओमीटर का यूज करती हैं, और वो अंडों की शेप, इसीलिए देखते हो ना, नहीं कहते हो भाई बड़े साइज वाला अंडे देना,
वो ट्रे उठाया आपको बड़े साइज वाला, वो जानते हो जहां लाखों लाखों मुर्गियां अंडे दे रही हैं, कैसे काउंट होगा? अंडे रख के उसको ओह ओह मीटर से मीजर किया जाता है। अब आ जाओ ओह ओह अंडे खा के ओह ओह पेडोमीटर, आपने कितने पैर पैदल चले, कितने पैदल नहीं देखते हो आजकल के, आपने आपके फोन में आ रहा है कि आपने 3000 कदम चल लिए, आप 5000 कदम चल लिए, आप 50000 कदम चल लिए, दिन भर में आज आप 3000 कदम चले। तो जो ये पैरों का जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग ऑफ द फूट, जो पैरों से आप चलते हैं, कदम चलते हैं, उस पैरों की कदम को जो काउंट करता है वो पेडो है। पेडो से पैर, देखो पैर पैर पेडो पैर, और ओह ओह अंडे, देखो ओह ओह अंडे अंडे, जल्दी बताइए। कोई बात नहीं हरदत, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्टेप। हाँ स्टेप की कदम जो है सर, अरे अभी आ रहा है, अभी आ रहा है काजल जी, झूठ पकड़ने वाली मशीन भी अभी आ रही है, पोलियोग्राफी अभी करा रहा हूं। अब आगे चलें। अब देखो एक शब्द आ गया, अरे सब चीज बता रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहा है? अरे स्टेप ट्रैकर होता है उसका नाम, इस ट्रैकर कौन सा ट्रैकर है, वो ट्रैकर मशीन का नाम, ट्रैक करने वाला मशीन, वो मशीन कौन सा है जो काउंट कर रहा है, वो साइंस कौन सा है जो काउंट, आपने कह दिया ब्लड ट्रैकर है, ब्लड को काउंट कौन कर रहा है, प्रेशर ट्रैकर है, प्रेशर को काउंट कौन कर रहा है, मशीन ट्रैकर कोई मशीन नहीं होता मेरे भाई अंकुश जी, ट्रैकर नाम का कोई मशीन नहीं होता, हर चीज तो ट्रैक किया जाता है अंकुश भाई, समझ गए बात? अब सुनना, एक शब्द आता है पोलियोग्राफी पीजोग्राफी, पोलीग्राफी, ध्यान से सुनना, एक एक चीज बताऊंगा। एक आता है पोलीग्राफी, पेपर में पूछा हुआ है कि पोलीग्राफी किस में यूज आता है। एक आता है पीजोमीटर, पीजोमीटर, ध्यान से समझना, पीजोमीटर पेपर में आया हुआ है। वो मोबाइल में जो है उसके अंदर जो ट्रैक करने की जो मशीन लगी है उसको बोलते हैं पेडोमीटर। ट्रैक तो हर चीज का होता है। नमस्कार रविंदर भाई, के हाल चाल भाई, अंकुश समझ गया। अब देखो एक होता है पॉलीग्राफी, झूठ पकड़ने वाली मशीन, जो पूछ रही थी बेबे अभी, झूठ पकड़ने वाली मशीन मशीन, एक एक चीज बताऊंगा भाई, एक एक चीज। अब देखो पीजोमीटर, पी पाइप, पीजोमीटर, मान लो आप देखते हो ना शहरों में पाइपलाइन किया जाता है और कई बार पाइपलाइन जो है वो फट जाता है, ध्यान से सुनना, कई बार जो पाइपलाइन होती है वो फट जाती है, जानते हो क्यों? उसमें दबाव बढ़ जाता है, तो पाइप के अंदर जो प्रेशर है, पाइप के अंदर जो प्रेशर है उसको काउंट करने के लिए पीजोमीटर का यूज, पीजो पाइप, पी पी पाइप पाइप पाइप, पीजोमीटर पाइप में जो प्रेशर है उसको काउंट करने के लिए, ये भी एक ट्रेकर है लेकिन इस ट्रेकर का नाम है पीजोमीटर। और पोलियोग्राफी काउंट करते हैं झूठ पकड़ने वाली मशीन को। एक बार ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में चले जाएं, गैलेक्सी एक्सिस का ऐप डाउनलोड करें, उस जैसे डाउनलोड करोगे, ₹1 की तो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में इस तरह के कम से कम 60 वीडियो हैं, जो अभी पढ़ा रहा हूं इस तरीके के 60 वीडियो हैं, 699 की पूरी जीके है, हिंदी उन्दी सब कुछ वहां पे है, आप जरूर वहां विजिट करो। बहुत गर्मी है भाई, ठीक है अगला आना।
क्लियर है? पीजो जो होता है वो पाइप के अंदर जो प्रेशर होता है उसको काउंट करता है। चलिए बहुत खूब, आगे आ जाओ। एक शब्द आपने सुना होगा बड़ा प्यारा सा है, एनीमोमीटर। ए नी मो मीटर, ध्यान से सुना, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? जो हवा है, हवा की गति, एनी एनी को हवा लग गया, हवा की गति को काउंट करने के लिए एनीमोमीटर का काउंट करते। आप एक बार बताइयो, कायरोमीटर, आप बताओ एक बार, ओडोमीटर, आप एक बार बताओ, यूडोमीटर, और एक बार बताओ आप, टेकोमीटर। टेकोमीटर या टेकमीटर, इनका जल्दी से आंसर करें आप, जल्दी से आंसर करें, 5 मिनट के अंदर इसका आंसर चाहिए भाई। इसका क्रायो है क्रायोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर। हाँ, हवा की गति काउंट करने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। अगला है, अगर ऑडियोमीटर का नाम आए, ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोमीटर, ऑडियो का मतलब क्या होता है? ध्वनि, ऑडियो साउंड। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की गति काउंट करते हैं, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता काउंट करते हैं हम ऑडियोमीटर से। ये बताओ पायरोमीटर, जल्दी बताइए इसका आंसर बताएं। लो टेम्परेचर, कायरो, बिल्कुल ठीक बात है। ऑडोमीटर, एक साथ सब आंसर करें भाई, एक साथ, एक साथ सारे लोग आंसर करें, बहुत खूब। ऑडियो का मतलब होता है ध्वनि, तो जो ध्वनि की तीव्रता है ना वह काउंट किया जाता है ऑडियोमीटर से, और एनीमोमीटर से हवा की। देखो अमीटर से क्या काउंट करते हैं? अमीटर, अ है करंट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अल्टीमीटर से क्या काम करते हैं? अल्टीमीटर, जहाज की ऊंचाई। अगर बादल की, अगर पृथ्वी से बादल की देखोगे तो सेलियोमीटर होता है, पृथ्वी से बादल की ऊंचाई सेलियोमीटर, पृथ्वी से जहाज की ऊंचाई अल्टीमीटर, अल्टीमीटर। एक शब्द सुनना, बड़ा फेमस सा शब्द है, फेदोमीटर या फेदीमीटर। अरे समझ पा रहे हैं, बारिश, ऑडोमीटर बारिश, ठीक बात है। अगला है फेदोमीटर, भाई यहां से जो क्वेश्चन है ना 100% आता है भाई, फेदोमीटर। और दूसरा शब्द होता है सोनार, सोनार, ठीक है, सोनार, साउंड, नेविगेटर एंड रेंजिंग, साउंड, नेविगेटर एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म है, ध्यान से सुनना। जो फेदोमीटर होता है वो समुंदर की गहराई को बताता है, समुंदर की गहराई को फेदोमीटर। फेद जाओगे, अगर फेद में समुंदर में जाओगे तो फेद जाओगे यानी फंस जाओगे, क्यों? क्योंकि गहरा है, तो फेदोमीटर से गहराई काउंट करते हैं। समुंदर के अंदर अगर कोई पिंड है, आपने मूवी देखा होगा, एक मूवी है गाजी अटैक, मैंने बनाया है अभी वीडियो उसमें, तो गाजी अटैक में देखा होगा, वो बार बार सुनते हैं, जब जहाज वो टकराता है अंदर जो माइंस लगे होते हैं समुंदर के अंदर, वो टू 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 करता है, वो बताता है, वो सोनार है, सोनार बताता है कि समुंदर की गहराई में कोई पिंड तो नहीं है, कोई वस्तु तो नहीं है, वो बताता है सोनार। और समंदर कितना गहरा है यह बताता है फेदोमीटर,
यह बताता है फैदोमीटर। अरे जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे पहले ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे मेरे यार नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग यार नहीं बता रहे हो। सबको नमस्कार भाई, जल्दी बताओ। ना ना एक बार डाउट हो तो बताएं ना। सोनार की गहराई ना सी की गहराई फैदोमीटर। सी केशव राजपूत गलत आंसर है, सी की गहराई फैदोमीटर। उस सी के अंदर अगर कुछ है तो वो सोनार बताएगा, वो सोनार बताएगा। नहीं यार आप लोग ना ना आप लोग फेसबुक पे शेयर करते हो, ना आप लोगों को हमसे कोई प्यार है, मेरे से कोई प्यार नहीं है आप लोगों को, ना कभी आपने स्टेटस लगाया वीडियो का, ना आपने फेसबुक पे शेयर किया, ना कोई ग्रुप में शेयर करते हो, नो काहे का प्यार भाई। अच्छा अंकिता देवी जी सारा बता दिया, बहुत बढ़िया, सपोर्ट जरूर करें, नो डाउट। अखिलेश राज जी कह रहे हैं नो डाउट, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है बैरोमीटर, बड़ा फेमस है, ध्यान से सुना, एक बार मिटाते हैं। अच्छा प्यार है भाई, चलो बिल्कुल ठीक बात है, प्यार होना चाहिए मेरे भाई। वीडियो शेयर से और भी ज्यादा पावर मिलता है कि आप लोग जुड़े हुए हैं। ये देखते हैं हम कि कितने लोग वीडियो देखे, जो लोग शेयर कर रहे हैं इसका मतलब लोग वीडियो देखे हुए हैं। चलिए और भी चलते हैं हम, एक बड़ा अच्छा सा शब्द है, अभी टाइम लगेगा 10-15 मिनट और वीडियो चलेगा, ये ध्यान से सुनना। एक शब्द है बैरोमीटर और एक हाइड्रोमीटर। एक होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को काउंट करता है मेरे भाई बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब को बताएगा बैरन। देखो बैरो बोरे में, देखो बैरो का मतलब लग रहा भैरो, भैरो कहां है? वायुमंडल में। तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय प्रेशर के बारे में काउंट करते हैं बैरोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से हम ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, जो जल का घनत्व, एक तरीके से डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी हो जाएगा, उसको काउंट करते हैं हाइड्रोमीटर से। हाइड्रो का मतलब ही होता है जल, हाइड्रोमीटर से हम काउंट करते हैं जल का घनत्व। लेकिन कई बार इंग्लिश में लिख देता है तो ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी ऑफ लिक्विड जब भी पेपर में आएगा तो आंसर लगा देना हाइड्रोमीटर। एक आता है विस्कोमीटर, विस्कोसिटी, विस्कोमीटर, ये भी बड़ा फेमस है, गाढ़ापन, श्यानता। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन या द्रव की श्यानता, पेपर में तो आएगा द्रव की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव की श्यानता, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता ही है श्यानता, तो विस्को श्यानता। और इसी को अगर आम भाषा में पेपर में यूज करते हैं तो गाढ़ापन, गाढ़ापन। कई बार रेलवे यूपी के पेपर में पूछा था गाढ़ापन जल का, किसी वस्तु का गाढ़ापन, किसी प्रोडक्ट का गाढ़ापन काउंट करना है तो किससे? विस्कोमीटर से, और विस्कोमीटर से द्रव की श्यानता को काउंट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बड़ा फेमस चीज है, हाँ बिल्कुल गुरु जी, तो अरे सब कुछ आपके लिए है मेरे भाई। जो लोग किताब नहीं लिए हैं स्टैटिक जीके का, हमारा किताब बहुत साल पहले आ चुका था, उसमें ना 120 चैप्टर हैं, तो आप वो मार्केट में परचेज भी कर सकते हैं, उनमें ये सारी चीजें ना ट्रिकी हैं, वो नोट्स है पूरा। अगला देखो, अगला बड़ा फेमस है
सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल, स्केल इसकी भी बड़ा लोग समझ नहीं पाते हैं। देखो सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल इसमें समझ नहीं पाते हैं। जो अर्थक्वेक आता है ना, भूकंप, भूकंप के बारे में जानकारी देता है कि भूकंप आया था, वो बताता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ बताता है भूकंप के बारे में, जानकारी देता है कि इस क्षेत्र में भूकंप आया था और इसका सेंटर ये है, ये सिस्मोग्राफी बताता है। लेकिन जो भूकंप कितने की स्पीड से आया था, जैसे आज ही जो भूकंप आया था तो ये बता दिया कि भूकंप आया था सिस्मोग्राफ। कई लोग कह रहे थे गुड़गांव है, कई लोग कह रहे हैं अलवर है, पता नहीं अभी मैंने देखा नहीं, कई लोग अलवर कह रहे हैं, कई लोग गुरुग्राम कह रहे हैं, जो भी है कहीं भी हो, एक्स वाई जेड जगह हो। तो सिस्मोग्राफ बताया कि आज 7:01 पे सचमुच में भूकंप आया था, तो आया था वो सिस्मोग्राफ ही बताया है। सेंटर कहां था, गुरुग्राम अलवर हो, ये सब सिस्मोग्राफ। लेकिन जो स्पीड थी वो 4.5 थी। जितना स्पीड कम रहेगा उतनी क्षति कम होगी, नुकसान कम होगा। जैसे कह दिया 2.5 की थी, कुछ भी नहीं था, कह दिया 4.5 की थी, महसूस हुआ भाई पूरा हिला, कह दिया 7.2 का था, आओ भाई रे घर और सब गिर जाएगा, नाश हो जाएगा। तो जितना बढ़ेगा उतना नुकसान करेगा और जितना घटेगा पता भी नहीं चलेगा। तो कितने की स्पीड से आया था वो स्केलिंग करता है, रिएक्टर रिक्टर स्केल, और कहां कहां आया था यह बताता है सिस्मोग्राफ, यह बताता है सिस्मोग्राफ। जल्दी बताइए ना, क्लियर है ना? आप लोग नहीं बता रहे हैं यार ना। भूकंप की तीव्रता को काउंट करता है उनके तरंगों को रिक्टर, अब भूकंप के बारे में जानकारी देता है सिस्मोग्राफ। जून मैक्सिको, हाँ मैक्सिको में बहुत खतरनाक है। अरे औसत का तो पुनीत जी पूछो मत, कुछ भी हो सकता है इस धरती पर, ठीक है? अभी बताते हैं, सब बताते हैं, जल्दी बताइए। अब आ जाते हैं, बड़ा फेमस चीज है एक पेपर का, हाइड्रोफोन। एक एक चीज बताएंगे जी, हाइड्रोफोन। इस पर एक सवाल आया सीजीएल में, हाइड्रोफोन। एक तो हाइड्रोफोन पर आया है और एक आया हुआ है स्फेग्नोमीटर। हाँ, एक हाइड्रोफोन पे आया हुआ है, हाइड्रोफोन, और एक आया है स्फेग्नोमीटर। बड़ा फेमस है जी स्फेग्नोमीटर, ध्यान से सुनना बीपी काउंट करने के लिए। सवाल आया हुआ है, मैं सवाल भी पढ़ के बताता हूं कि स्फेग्नोमीटर और एक आता है स्टेथोस्पेक स्कोप, स्टेथोस्पेक स्कोप, ये भी बड़ा फेमस है। ये तीनों के बारे में वन बाय वन जानकारी लेंगे। देखो हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फोन, ध्यान से सुनना, पानी के अंदर, ध्यान से सुनना, पानी के अंदर, सीजीएल में आया हुआ सीजीएल का सवाल है, पानी के अंदर ध्वनि की तीव्रता, पानी के अंदर ध्वनि की तीव्रता, यह काउंट करता है हाइड्रोफोन, यह काउंट करता है हाइड्रोफोन। औसत तीव्रता पुनीत जी कुछ भी, धरती पर कुछ भी हो सकता है, इसकी काउंटिंग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप। अब हम यही सब चीजें बताने लगे तो फिर स्टैटिक का कोई मतलब नहीं है, ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब चीजें तो वहां है, ठीक है?
हाँ मंजिता जी सब बताएंगे, ठीक है ध्यान से, अभी सब आ रहा है, नंबर में आ रहा है, टेंशन काहे ले रहे हैं। तो पानी के अंदर जो ध्वनि की तीव्रता है वह काउंट करता है हाइड्रोमीटर, और इस फेग्नोमीटर वह रक्तचाप बीपी को, नहीं वो बांध देते हैं और ऐसे फुलाते हैं हाथ पे, रक्तचाप बीपी ब्लड प्रेशर बीपी को काउंट करेगा। और स्टेथोस्कोप आला, अरे जो डॉक्टर लोग कान में नहीं चिपकाए रहते हैं, जो हृदय धड़कन की गति को, हृदय धड़कन को बताता है, हृदय धड़कन को जाते हैं तो चेक करते हैं आला लगा के, वो स्टेथोस्कोप वो है, ठीक है। अगला एक शब्द है हाइग्रोमीटर, बड़ा फेमस है, एक है हाइग्रोमीटर और एक है माइक्रोस्कोप। हाइग्रोमीटर कोई पूछा हुआ था भाई, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी आर्द्रता को, हाइग्रो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आर्द्रता को बताता है भाई, ह्यूमिडिटी कितना है, आर्द्रता चिपचिपापन है, हाइग्रो। और एक है माइक्रो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म वस्तु, हाइग्रो याद रखना आर्द्रता ह्यूमिडिटी, स्टेथो आला, स्फेग्नो रक्तचाप, हाइड्रोफोन पानी के अंदर। अगर यही आ जाएगा टेलीस्कोप, देखो माइक्रोस्कोप से तो सूक्ष्म वस्तु देखते हैं, अगर स्पेस में आसमान में कोई ऑब्जेक्ट है, स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं हम स्पेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर और मैनोमीटर, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास सिर्फ लैक्टोमीटर मैनोमीटर, ध्यान से सुनना, बस कुछ ही मिनट का और टॉपिक है भाई। लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर और मैनो, अगर लैक्टोमीटर की मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर लैक्टोमीटर की मैं बात करूं तो लैक्टोमीटर काउंट करते हैं दूध की क्वालिटी को, दूध की शुद्धता को काउंट करने के लिए, दूध की, लैक्टो का मतलब होता है दूध की शुद्धता को काउंट करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। और अगर मैं मैनोमीटर की बात करूं तो गैस का दाब, प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का दाब कितना है, गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए। अगर पाइप के अंदर आप देखोगे तो आपको बताया था ना पीजो, पाइप के अंदर जो निम्न दाब ज्ञात करने के लिए, और मैनो किसको काउंट करता है, जो गैस का दाब होता है पाइप में, नहीं नॉर्मल। लैक्टो किस लिए काम होता है, लैक्टो दूध की क्वालिटी को। अगला है हृदय की गति कार्डियोग्राम, कार्डियो का मतलब ही होता है हृदय की गति, हृदय कार्डियोग्राम हृदय की गति को काउंट करने के लिए होता है, हृदय धड़कन हृदय की गति के लिए होता है, हृदय की गति को काउंट करने के लिए होता है। कार्डियो का मतलब होता है कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय के डॉक्टर। एक शब्द पेपर में सीजीएल में आया क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर ये पूछा हुआ है भाई, क्रोनोमीटर ध्यान से सुनना। आप अगर नॉर्मल टीचर से पूछ लो मेरे भाई, कल सर अभी बता दिया जाएगा, टाइम टेबल जरूर देख लें, जो रेगुलर लोग पढ़ाते हैं सेलियोमीटर बताया तो था, जो धरती से ऊपर जो बादल लगे हुए हैं उनकी ऊंचाई क्या है, सेलियोमीटर है, धरती से बादल की ऊंचाई कितनी है, सेलियोमीटर है।
क्रोनोमीटर पेपर में बार बार पूछा गया है, जरूर जानकारी लें। देखो पढ़ाते तो हजारों लोग हैं, एक वे में और एक सटीक डीप जानकारी पढ़ाने वाले लोग हैं, वही पुराना पढ़ाए जा रहे हैं, कोई अपडेट नाम की चीज नहीं है। किडनी फेफड़े बंद हो जाए, बिल्कुल डूला सोरेन भाई, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। नमस्कार सुनील छोकर भाई। अब आता है भाई, उन लोग कई ऐसे हैं जो पढ़ाने वाले हैं, कुछ भी पढ़ा के चले गए, वही पुराना ज्ञान जो मतलब रेगुलर आज से 10 साल पहले भी पढ़ाए जा रहे हैं। क्रोनोमीटर ध्यान से सुनना, क्रोनोमीटर वो है जो एक्चुअल टाइम को बताता है, एक्चुअल टाइम को बताता है। आते भी हैं प्लेटफॉर्म पे तो दो चार दिन पढ़ाए बताए ये चीजें ऐसे हैं, चले जाते हैं लोग। लेकिन जब से आप खुद देखो लॉकडाउन हुआ है, एक दो ही दिन तीन दिन ऐसा होगा पूरे लॉकडाउन में कि मैं नहीं पढ़ाया हूंगा, रेगुलर पढ़ाया आपको और इसी मंच में हर तरह की जानकारी दी, जिससे आपका अपना मंचित बढ़ा और आप आगे गए। अगर एक्चुअल टाइम के अगर बारे में मैं बात करूं तो एक्चुअल टाइम की जो जानकारी है वो हमारे देता है क्रोनोमीटर। अगला होता है लुक्स मीटर, लुक्सोमीटर। कई किताबों में एक क्वेश्चन है जैसे आया हुआ है क्वेश्चन कि लुक्स मीटर ऐसे दिया हुआ है, लुक्स मीटर का क्या काम है, लक्स मीटर। और एक बार पेपर में यह पूछा गया, दोनों एक के मतलब है, लक्स मीटर, घबराना नहीं। ये रोशनी कितनी आपके पास पहुंच रही है, टार्च जलाओ या जो भी जलाओ, रोशनी, रोशनी के बारे में जो प्रकाश है, रोशनी के बारे में जो जानकारी देता है वो होता है लक्सोमीटर, लक्सोमीटर। अगला आता है पावर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, शक्ति, करंट की शक्ति, वॉट मीटर। वॉट मीटर पावर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वॉट मीटर का यूज किया जाता है पावर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कितनी शक्ति है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी का करंट की बात करोगे तो अमीटर होगा, करंट, करंट की जो धारा है सर्किट में, जो फ्लो ऑफ द करंट है वो तो अमीटर बताता है, और पावर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बताता है वॉट मीटर। लक्स मीटर क्या बताएगा, आपकी रोशनी, रोशनी। जैसे एक सवाल याद रखना, लगभग कोई ऐसी चीज नहीं बचा है, हां ऑर्थोस्कोपोमीटर एक लास्ट बचा है, ऑर्थोस्कोपिक मीटर या ऑर्थोस्कोप, कुछ पेपर में ऐसा ऑर्थोस्कोप मीटर देगा और कुछ पेपरों में ऑर्थोस्कोप देगा। जो शरीर के जो ज्वाइंट होते हैं ना, ऑर्थो का मतलब हड्डी होता है भाई, ओ से भी लिखते हैं ऑर्थो, ए से भी लिखते हैं, ऑर्थो जो होता है वो हड्डी के डॉक्टर। आपको एक दिन ये भी बताऊंगा कौन से डॉक्टर किस चीज का इलाज करते हैं, आता है पेपर में। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट नसों के डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऑर्थो, ऑर्थो जो होता है वो हड्डियों का डॉक्टर। तो जो ये जोड़ होते हैं ना, जोड़, इन जोड़ों के बारे में जो जानकारी जुटाता है वो ऑर्थोस्कोपिक मीटर जुटाता है, जोड़ों के बारे में जो जानकारी जुटाता है, जोड़ों की जो जानकारी देता है वो ऑर्थो देता है। हाँ अंकित जी, ए से भी लिखते हैं, ओ से भी लिखते हैं, बताया तो अंकित भाई, ए से भी लिखते हैं, ओ से भी लिखते हैं, ऑर्थोपेडिक्स। जल्दी बताइए,
अगर देखो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, ओओमीटर। अब ना नंबर आ गया है आपको ये जानकारी जुटाने की, जैसे क्वेश्चन कैसे आए हैं। जैसे सवाल आपको देता हूं, बड़ा फेमस सवाल है, चलो मैं प्रयास करूंगा उस पे डाल दूं, क्या नाम है, मैं प्रयास करूंगा कि टेलीग्राम पे डाल दूं भाई, और रोज क्लास सुने, रोज क्लास के बारे में देखें। सवाल एक निकालता हूं, सवाल आपको बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं, एक मिनट। चलिए सवाल जैसे ही आ जाएगा मैं बता दूंगा भाई, अभी खुल नहीं रहा है, ठीक है। ये एल्कोहलिक डिटेक्टर, एल्कोहलिक लेजर बोलते हैं इसको मंजिता जी, एल्कोहलिक लेजर से काउंट किया जाता है, एल्कोहलिक लेजर बोलते हैं इसको मंजिता जी, एल्कोहलिक लेजर। हाँ वही मैं ढूंढ रहा था, पीडीएफ मिला नहीं मेरे भाई, मिलते ही मैं बता दूंगा, ठीक है। एल्कोहलिक लेजर बोलते हैं मंजिता जी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास के लिए एक्टिव रहे भाई, अगला क्लास भी ऐसे ही होगा, और यह क्लास पढ़ के आएंगे, मैं डाउट पूछूंगा, और मोस्टली जगह पे ये शेयर होना चाहिए। लगजो रोशनी बसंत जी, रोशनी कितनी आ रही है, रोशनी की क्या कैपेसिटी है, रोशनी कितनी पावरफुल है, यह बताती है लक्स मीटर। शेयर प्रॉपर फेसबुक पे दिखनी चाहिए भाई ये वीडियो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत आभार, गर्मी तो आप देख ही रहे हैं। चलिए नमस्कार, स्वागत।